अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो है सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही, ठीक है। और हमने यूज़ क्या करना है, इसको यूज़ करना है एस इज इक्वल टू 6pq ओवर पी माइनस क्यू, और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं, हमने इसको 2 times लिखना होता है, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम कर रहे थे, एज इट इज हमने यहाँ पे भी फॉलो करना है उसको। आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लें फिर आप इसको सॉल्व कर लें, वो भी सही है, लेकिन साथ लिखने का मकसद ये है कि आपको सामने ऐसे समझ आ जाएगी ज़्यादा इजी वे में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू को स्प्लिट करना होता है 2 parts में, तो 2 parts में जब स्प्लिट करेंगे तो pq, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एक के साथ हमने p लिखना है, एक के साथ हम q लिख देंगे। अब 6 की जगह पे हम लिखते हैं ये जो हमने वैल्यूज स्प्लिट की है ना, 3p और 2q, ठीक हो गया। और बाकी नीचे p माइनस क्यू एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। अब ये पहली वैल्यू को देखो, यहाँ पे डिवाइड के नीचे है 3p, तो हमने यहाँ से ये 3p को लेफ्ट साइड पे s से डिवाइड कर देना है, क्योंकि डिवाइड के नीचे है ना, तो हमने क्या करना है, s ओवर 3p यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2q ओवर p माइनस क्यू, ठीक है। 3p जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अभी आप इसको इतना समझें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, 6pq को स्प्लिट करना है 2 parts में। अब यहाँ पे हमने इसको देखना है, अब यहाँ पे 3 के साथ क्यू है तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ क्यू लिखेंगे और 2 के साथ p लिखेंगे, ठीक है। हमने सेकंड जो तजवी की है उसमें हमने क्या किया, 3 के साथ q लिख दिया और 2 के साथ p लिख दिया, क्योंकि हमें 3q चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आ जाएगा 3q मल्टीप्लाई हो रहा है 2p से ओवर p माइनस q। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमने 3q को लेफ्ट साइड पे लेके आना है तो ये डिवाइड हो जाएगा इसी तरह यहाँ पे, और 2q ओवर p माइनस क्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है किससे, थ्योरम यूज़ करेंगे, कौन सा जो क्वेश्चन में हमें बताया गया, कंपोनेंट और डिवाइडेंड, तो थ्योरम यूज़ करेंगे तो वो हम लिख लेते हैं यूजिंग, ये यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे हमने थ्योरम लिख दिया, ठीक है, जो हमने थ्योरम यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने क्यू लिख दिया, पी आना है यहाँ पे, सॉरी 2p आएगा, ठीक है। अब हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यूज़ को, ऊपर नीचे की वैल्यूज़ को एक बार प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस के साथ लिखना है, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार प्लस के साथ इन दोनों को और एक बार माइनस के साथ, सेम हम यहाँ फॉलो करेंगे। 2q को एक बार प्लस के साथ हमने p माइनस q के साथ लिखना है, और एक बार हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे, q माइनस p माइनस q, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस के साथ इनको लिख लिया और एक बार हम इनको माइनस के साथ लिख देंगे, तो ये 2p है प्लस p माइनस q, और एक बार हम इसी दोनों वैल्यूज़ को माइनस के साथ लिखेंगे p माइनस q, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये तो एज इट इज़ ही लिख लेंगे हम, और यहाँ पे 2q इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है, p माइनस q ओवर 2q माइनस, अब ये माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों के जो साइंस है वो उल्ट हो जाएंगे, p माइनस का हो जाएगा और q जो है वो प्लस का हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, q वाली वैल्यूज को प्लस माइनस की है ना, तो प्लस माइनस हो गया तो सिंपल q रह जाएगा, और प्लस p ओवर यहाँ पे q वाली दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो ये 3q माइनस p आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2p + p - q/2p - p और प्लस q हो जाएगा, ठीक है, वैल्यूज आउट हो गई। अब यहाँ पे ये 3p - q/, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -p यानी कि p आ जाएगा और प्लस q, ठीक है, इज इक्वल टू s+3q/s-3q। और यहाँ पे इसी तरह s+3p/s-s। अब यहाँ पे हमने देखना है फर्दर सॉल्व करने से पहले कि ये दोनों सेम है, सेम तो है लेकिन इनके साइन जो है वो उल्टा है। यहाँ पे माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, यहाँ पे हमारे पास तो प्लस ऊपर आ गया माइनस नीचे आ गया, इसको देख लेते हैं। तो ये प्लस और माइनस ये तो सही है, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसको हम चेंज करने के लिए एक थ्योरम यूज़ करते हैं, इनवर्टेंडो थ्योरम है, जिसके अकॉर्डिंग नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाती हैं, ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं। यूजिंग दिस थ्योरम हम क्या करेंगे, s-3p ऊपर चला जाएगा और s+3p नीचे आ जाएगा, और इसी तरह ये भी उल्टा हो जाएंगे, 3q ऊपर और q+p नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, इनको यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास प्लस दिया हुआ है इन दोनों वैल्यूज़ के सामने, तो हमने इनको ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई है ना, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि ये p+q है ना और q+p दोनों सेम प्लस की वैल्यूज़ ही है ना, तो हम इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है, p+q। अच्छा, अब लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो s-3p/s+3p, और यहाँ पे ये लेफ्ट वाली है प्लस करेंगे s+3q/s-3q, ठीक है, और इसी तरह राइट वाली दोनों हम राइट साइड पे लिख लेंगे, 3q-p/p+q और प्लस करेंगे 3p-q/p+q। अब ये दोनों सेम है और प्लस का साइन है तो हमारे लिए इजी हो गया एलसीएम फाइंड आउट करना, p+q का एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम एज इट इज आ जाएंगी, 3q-p+3q-q, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, सॉरी ये p है, p। अच्छा, अब ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये 2p आ जाएगा हमारे पास, और प्लस माइनस ये वाला q, ये वाला q, ये 2q हो जाएगा, ठीक है, over p+q। ये ऊपर वाली वैल्यूज की आपको समझ आ गई ना, q और इस q को हमने सॉल्व किया तो 2q आ गया और p आ गया, और यहाँ पे q वाली वैल्यूज को सॉल्व किया तो 2q आ गया। अच्छा, अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, 2p+q रह जाएगा हमारे पास और p+q। अब ये दोनों हो गए हैं सेम ऊपर नीचे वाली वैल्यू, तो इनको हम आपस में काट देंगे, हमारे पास सिंपल क्या रह गया, 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हमने इस सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही इसके साथ लिखते जाना है।